फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं। बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजारों की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और बाजारों की चाल में आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं। यहां पर कृषि फसल बाजार का अपडेट लेकर जानेंगे कि आज शाम की कारोबारी सत्र के अंदर कृषि फसलों का वायदा बाजार NCTEX कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, किस कृषि फसल में कितनी मंदी तेजी बंदी नजर आ रही है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय रहेगी, आगे एक्सपर्ट क्या बता रहे हैं कि किस कृषि फसल में कितनी मंदी तेजी बन सकती है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। और अपडेट में शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे कैसा सीड से। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि कैसे सीड का फरवरी वायदा 6644 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 6688 का भी हाई लगा चुका है, 0.25% की तेजी देखने को मिल रही है। देख रहे हैं कि कैसे सीड जो कि बहुत लंबे समय से सीमित दायरे में ट्रेड करता नजर आ रहा था, उसने अब 6500 का लेवल तोड़ दिया है। 6500 के बाद अब 6600 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है और अब 6700 की ओर भी जाता हुआ नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यहाँ पे कैसा सीड का वायदा बाजार सस्टेन होने में कामयाब हो पाएगा 6600 के ऊपर, क्या कैसा सीड की कीमतें 6600 के ऊपर सस्टेन होने में कामयाब हो पाएंगी। अगर कामयाब होती हैं तो यहाँ पे कैसा सीड में अभी और अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि कैसा सीड का फरवरी वायदा 6700 के तरफ जाते हुए नजर आ रहा है, तो अब यहाँ पे कैसे सीड में क्या करके चलना सही रहेगा, तेजी आएगी या मंदी, जान लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा जी। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एमसीवी पर। अमित जी, सबसे पहले आपसे कैसे सीड के ऊपर बात करना चाहूंगा। आपने जो लेवल दिया था कैसे सीड में 6500-6600 का, दोनों ही लेवल अचीव होते नजर आ चुके हैं। अब देख रहे हैं कि कैसे सीड 6700 की तरफ जा बढ़ रहा है, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पे कैसे सीड की कीमतें सस्टेन होने में कामयाब हो पाएगी और क्या कैसे सीड में अभी और अच्छी तेजी बाकी है? जी बिल्कुल, मेरा मानना है कि कैसे सीड में 6850 का एक पोजिशनल व्यू है जो जिसकी तरफ प्राइसेस अग्रसर हो रही है, तो ये एक थ्रेशोल्ड था जिसे हम कहते हैं एक बेंचमार्क का प्राइस की 6500 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन होती है तो और भी बढ़त होने की आशंका थी, तो वो होना शुरू हो चुका है और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि सपोर्ट लेकर प्राइसिंग रेजिस्टेंस भी पार कर चुकी है, तो मेरा मानना है कि ये जो तेजी है ये 6850 तक शॉर्ट टर्म में एक्सटेंड हो सकती है। जी, यही से मैं जी बात करें अगर अब बिनौला खल की, तो बिनौला खल में देख रहे हैं कि 3000 से 3100 का सीमित दायरा पकड़ लिया है बिनौला खल ने। अब आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से कीमतें थोड़ी और नीचे गिरेंगी या फिर सीमित दायरा ही देखने को मिलता रहेगा? जी, मेरा मानना है कि बिनौला खल में काफी लंबा कंसोलिडेशन ऑलरेडी हो चुका है। हम देख रहे हैं कि दो बार प्राइसेस 3700 के नीचे फिसली है और उसके बाद दोनों दफा वहां से बाउंस बैक मिला है, पिछले दफा 3325 के करीब भी गई थी, तो एक कंसोलिडेशन फेज जारी है। हो सकता है कि हम 3 से 4 सेशन और इसे कंसोलिडेशन करता हुआ देखें, लेकिन मेरा मेजर जो ट्रेंड है मुझे जो दिखता है वो ऊपर की तरफ लग रहा है और जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ 3550 का एक लक्ष्य पेंडिंग दिखाई देता है, तो मुझे लगता है उसके तरफ प्राइस जाएंगी। हालांकि जो पहला हर्डल जिसे हम कहते हैं वो 3320 का ही होगा, उसके ऊपर अगर प्राइस निकलते हैं तो फिर 3350 के लिए ओपन अप हो जाएंगे, लेकिन ऑन द होल निवेशक जो है 3000 के नीचे के स्टॉप लेकर अभी भी बाइंग कर सकते हैं। जी, ये समय जी बात करें अगर धनिया की, तो धनिया का प्रेल वादा देख रहे हैं 10700 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है और 10908 का भी हाई लगा चुका है। अब आपको यहाँ से क्या लगता है, क्या धनिया अब 11000 के भी पार जाता नजर आ सकता है, क्या धनिया अब फिर से 11000 के ऊपर ट्रेड करते दिखाई देगा? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि धनिया में हमें 11200 तक के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। हालांकि आज मामूली बढ़त के साथ अप्रैल वायदा जो है वो ट्रेड कर रहा है, या हम देखें कि जो इमीडिएट जो नियर मंथ है वो अप्रैल में 10750 के करीब है, यहाँ से करीबन 3 से 4% की और तेजी आ सकती है 11200 तक, जिसके बाद मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत करेक्शन प्राइसिंग में देखने मिलेगी। जी अमित जी, बात करें अगर जीरे की, तो जीरे में देख रहे हैं कि 20000 के बाद आज यहाँ पे जीरे ने 21200 का हाई लगाया है। अब आपको क्या लगता है, ये जो 0.5% की करेक्शन बनी है, तो क्या यहाँ से कीमतें एक अभी नीचे जाएंगी थोड़ा या फिर 20000 के लेवल ही देखने को मिलेंगे या फिर यहाँ से 21000 के ऊपर ट्रेडिंग देखने को मिलेगी? ओवरऑल अभी जीरा कैसे रहने वाला है?
देखिए पोजिशनली मेरा मानना है कि प्राइजेस 22,000 के ऊपर भी निकल सकती है, जो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में, और उसकी तरफ अच्छे से तेजी हमें दिखाई दे रही है आते हुए। इसी हफ्ते में काफी अच्छा गेन कर चुकी है प्राइजेस, अगर हम देखें पिछले 3 या 4 सेशन में करीबन 700 रुपए की तेजी आ चुकी है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि हम लगभग 21,400 का एक रेजिस्टेंस देखें और जो प्राइस है वो सपोर्ट लेने जाए, सपोर्ट से मेरा मतलब है 20,400 के करीब, लेकिन ओवरऑल रुझान ऊपर की तरफ है और पोजिशनली मुझे 22,000 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख रहे हैं। और अगर उससे भी लंबी अवधि का व्यू लिया जाए, यानी 1.5 से 2 महीने का व्यू लिया जाए, तो मेरा मानना है कि लगभग 23,500 तक के लेवल हमें बुरे में देखने को। जी यहीं समी जी बात करें अगर हल्दी की, तो हल्दी में आपको क्या लगता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 9,800 तक बीच में अभी बाजार नीचे गया था, फिर वहां पे देख रहे हैं कि 10,000 के ऊपर कीमतें ट्रेड करती नजर आ रही हैं, तो क्या हल्दी में अभी ऐसी सीमित दायरा देखने को मिलता रहेगा या फिर यहाँ से अच्छी तेजी भी बनेगी? देखिए मेरे ख्याल से कॉटन सीड ऑयल के फल की तरह इसमें भी एक पॉज हमें देखने मिला है, क्योंकि बहुत ही अच्छी बढ़त के साथ पिछले हफ्ते या उसके पहले जनवरी में हमने इनफैक्ट देखा था कि 11,200 के करीब प्राइस गई थी, तब से करेक्शन मोड में प्राइस चल रही है। शॉर्ट टर्म बेसिस हो सकता है हम 9,500 से 9,600 के बीच प्राइस को जाता हुआ देखें, लेकिन उससे ज्यादा नीचे नहीं दिखती जाती हुई दिखती है। और मुझे लगता है अभी भी एक नया रिसेंट हाई यानी 11,000 के ऊपर के हाई हमें देखने मिलेंगे, तो मैं पोजिशनली अभी भी तेजी ही करना पसंद करूंगा। हालांकि वेरी शॉर्ट टर्म में अगर अवॉइड किया जाए या डिप के लिए वेट किया जाए एटलीस्ट 10,000 के नीचे यानी 9,800 से 9,700 के बीच, तो बेहतर पोजिशन अपॉर्चुनिटी होगी। शॉर्ट टर्म ट्रेडर अगर इसमें पोजिशन लेना चाहते हैं और अपोजिट व्यू लेना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कि 10,300 का एक फिक्स स्टॉप लॉस लिया जाए 9,800 के टारगेट के लिए, और वहां पर डबल बाय किया जा सकता है। जी अमित जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार में आपको क्या लगता है, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी भी जो कीमतें हैं वो हल्की सी रिकवर हुई हैं, ज्यादा कुछ खास तेजी बनती अभी भी नजर नहीं आई है। जी देखिए आई थिंक प्राइस जो है वो दायरे में रहेंगी, कुछ समय तक दायरे में रहेंगी, हालांकि ये भी जो मैं करेक्शन की तरह ही देखता हूँ, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ी गिरावट है प्राइजेस में। इनफैक्ट 6,000 से ज्यादा नीचे हो सकता है प्राइजेस नहीं सस्टेन कर पाए ग्वार सीड में, 5,980 से 6,000 के बीच आती है तो इस बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन शॉर्ट टर्म बेसिस जो दायरा रहेगा वो 6,350 से लेकर 6,000 का होगा, उसके बाद हो सकता है कि हम 2 से 3 हफ्ते कंसोलिडेट करने के बाद 6,600 के ऊपर ग्वार सीड को और ओवरऑल ग्वार क्रम को भी करीबन अपसाइड में अगर देखा जाए तो लगभग 12,200 तक गुजारे जाते हुए देखेंगे। लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस यानी हफ्ते से 10 दिन या 2 हफ्ते देखा जाए तो ग्वार ग्राम में भी जो कंसोलिडेशन फेज होगा वो 10,900 से लेकर 12,000 के बीच होगा, जिसके बाद मैं समझता हूँ कि प्राइस जो है दोबारा तैयार हो जाएंगे और नई ऊंचाई में छूने के लिए। जी ये समय जी बात करें अगर मेंथा ऑयल की, तो मेंथा ऑयल में आपको क्या लगता है अभी मेंथा ऑयल का बाजार कैसा रह सकता है, क्या मार्च अप्रैल में मेंथा की कुछ डिमांड बन सकती है? पॉसिबल है जी, पॉसिबल है, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म देखा जाए तो मुझे लगता है कि नीचे की तरफ प्राइसेस जाएंगी। फिलहाल 935 से 940 तक जाने की आशंका है निर्मल के हिसाब से, तो शॉर्ट टर्म का जो रुख है वो नीचे की तरफ दिखाई देता है, लेकिन ये जरूर कहूंगा 930 से 935 के करीब मिले तो वहां से पोजिशनली बाय किया जा सकता है, लेकिन तब तक बिकवाली करके चल सकते हैं। इमीडिएट जो स्टॉप लॉस रहेगा शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए वो 970 के ऊपर होगा और टारगेट जो होगा वो 930 से 935 का लेके चले जा सकता है। जी ये समय जी बात करें अगर कॉटन की, तो कॉटन में देख रहे हैं कि 37,000 का भी लेवल देखने को मिल चुका है और 38,000 के भी कीमतें पार जा चुकी हैं, ऐसे में अब आपको यहाँ से क्या लगता है, क्या यहाँ से अभी एक हेल्दी करेक्शन बननी चाहिए या फिर यहाँ से कीमतों में तेजी का जो दौर है वो जारी रहेगा? मेरे हिसाब से कुछ समय और तेजी का जो दौर है वो जारी रहेगा, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि जो 37,000 का एक स्तर था कहीं ना कहीं बाजार वहां पर भी खरीदारी करने के लिए तैयार है, यानी उसे एक अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिखता है। अपसाइड में मुझे लगता है कि ये तेजी एक्सचेंज होगी और शॉर्ट टर्म में हम लगभग 39,000 तक के लेवल भी देख पाएंगे, तो मैं अभी भी यही समझता हूँ कि एक साइडवेज का कारोबार है जो बाकी 2 या 3 एग्री काउंटर्स में भी हम देख रहे हैं फिलहाल होते हुए, चाहे वो बार कॉम्प्लेक्स हो
और सिमिलरली कॉटन हो, लेकिन ओवरऑल जो पोजिशनल बायस है जिसे हम कहते हैं रुझान तेजी की तरफ रहेगा और 39,000 से 39,200 के टारगेट हम आने वाले कुछ समय में देख पाएंगे जी। ये समय जी बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन देख रहे हैं कि इंटरनेशनल में तो यूएस सोयाबीन $1,570 के ऊपर निकल चुकी है और अर्जेंटीना और ब्राज़ील में भी ड्राई वेदर कंडीशंस हैं, लेकिन हमने एनसीडीएक्स पर काफ़ी लंबे समय के बाद सोयाबीन को कल के कार्रवाई सत्र में 6700 के ऊपर ट्रेड करते देखा था। मार्च वायदा 6700 के ऊपर था और जो फरवरी वायदा है वो 6600 के ऊपर। आज भी देख रहे हैं सोयाबीन 6600 के ऊपर सस्टेन है, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या अब यहाँ से सोयाबीन में तेजी बनना शुरू हो गई है? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि बहुत समय से जो बात हमारी हो रही थी जब 6300 के करीब था कि 6000 से नीचे जाती हुई नहीं दिखती और इवेंचुअली 6850 शॉर्ट टर्म टारगेट है वो उसकी तरफ हम देख रहे हैं, प्राइजेस चल पड़ी हैं और बहुत ही जल्द हासिल कर लेंगी। इसके अलावा 7300 एक पोजिशनल टारगेट है जो मुझे लगता है कि नेक्स्ट हफ्तों में हमें देखने मिलेगा, तो यस मुझे लगता है कि चाल आना शुरू हो चुकी है और हम बहुत ही जल्द ये दो टारगेट अच्छी होते हैं। जी अमित जी, टॉपिक्स के देना चाहेंगे आप आज के लिए जिनमें अच्छा मुनाफा कमा कर चला जा सकता है? जी देखिए, मेरा मानना है कि धीरे में बाइंग करके चल सकते हैं अभी भी, हल्की सी गिरावट 2600 से 500 के करीब देखने मिलेगी, लेकिन वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी 22,000 के लक्ष्य के लिए। एट द सेम टाइम मैं समझता हूँ कि कॉटन सीड ऑयल केक में भी 3,000 के नीचे के डेली क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ बाइंग कर सकते हैं, एग्जिट टारगेट जो होगा वो 3,300 का। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कृषि फसल बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार एनसीडीएक्स कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, किस कृषि फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है, आगे किस कृषि फसल में कितनी मंदी तेजी आ सकती है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय थी। फिलहाल बाजारों की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना हुआ है मार्केट एमसीवी पर। चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयाँ हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान।